हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। सुबह सुबह का दिन है, उसके बाद मैं पहुंच गई चाय पीने। तभी सुबह का 11:30 शायद बज रहा था, और ये उसके बाद मैं पहुंच गई मछली लेने के लिए। मैंने ले लिया चारा पूना, मतलब जो छोटे छोटे मछली होते हैं ना वैसा ही, क्योंकि रूई और जो कतला होता है, रोहिता और कतला, रपलो रोहिता पता है ना, साइंटिफिक नेम है रूई का, रूई फिश का, रूई मछ का, तो वो मैंने चारा पुना ले लिया। इतना मुझे रुई कतला नहीं लेना था, इतना पैसा कौन देगा यार। चार पीस करवा लिया मैंने सुबह, मतलब दोपहर को दो खाऊंगी और रात को दो बस। लेकिन मैं चार पीस एक बारी में ही खा गई। मतलब होता है ना वो, जब आप मछली फ्राई करते हो तो वो इतना टेस्टी होता है कि आप खा ही जाते हो। उसके बाद मैं पहुँच गई सब्ज़ी बाज़ार, क्योंकि मुझे वो पटल लेना था, पटल का फ्राई करना था, वो भी अच्छा लगता है खाने में। तो घी, मच्छी फ्राई और पटल का फ्राई, बस हो गया ये तो। ये तीनों अगर डिश हो जाए तो और कुछ भी नहीं चाहिए, आप सूखे राइस भी खा सकते हो इजीली। ये मैंने ले लिया पटल। उसके बाद मैं निकल रही हूँ अपने मेस के लिए, लेकिन मुझे उसके बाद लेना है दो गेंजी, मतलब दो ड्रेस लेना है दोपहर को, मतलब पहनने के लिए। बहुत गर्मी है इसलिए वो जो होता है ना स्लीवलेस वाला गेंजी, वो मैं लेने पहुंच गई यहाँ पे हमारे सिटी में, जो यहाँ पे वो क्लॉथ सेंटर है वहाँ पे मैं पहुंच गई। यहाँ पे ये सारे 200-200 के दिखा रहे थे, तो ये मैंने ले लिया। ये बहुत अच्छा भी है, ये फिट भी नहीं होता और अच्छा भी है। और इसके बाद मैंने चढ़ा दिया राइस कुक हांडी पे, चावल चढ़ा दिया। ये होने के तक मैंने ये कर लिया, मछली को धो के ये मैंने अंदर दे दिया, आलू पटल सब कुछ दे दिया, और ये मछली को धो दिया अच्छे से, सब कुछ ब्लड जो भी रहता है, मैल सब कुछ निकाल दिया। उसके बाद मैंने इसके ऊपर मैरिनेट कर दिया नमक और टर्मरिक, मतलब हल्दी से मैरिनेट करके थोड़ा देर 5 मिनट रख दिया। उसके बाद मैं इसको फ्राई कर लूँगी। ये देख रहे हो, चार पीस है और मैं चारों पीस दोपहर में ही खा गई, मैंने रात के लिए कुछ बचाया ही नहीं। ये मैंने दे दिया है ऑयल कढ़ाई में, और ये चल रहा है मच्छी फ्राई। अच्छा लग रहा है ना देखने में। बस आप अगर आपके पास अगर घी होगा ना, तो घी और मच्छी फ्राई और जो भी है थोड़ा सा, मतलब आलू चोखा ले लेना, और कुछ भी नहीं चाहिए खाने को। वो कहते हैं ना स्वर्ग जैसा खाना होता है, सिंपल खाना एकदम स्वर्ग जैसा। ये मैंने आलू चोखा बना लिया, और जो पटल लिया था उसको भी मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया, अचार है और बस मच्छी फ्राई। देखा, तीनों मैं एक तो खा चुकी हूँ, और ये तीनों पीस बचा हुआ है, छोटे छोटे पीस है, इसलिए मैंने दोपहर में ही खा लिया और अच्छा भी लग रहा था खाने में। बहुत सारा राइस भी ले लिया था, एकदम पेट भर के खा लिया मैं। उसके बाद ये देख रहे हो वेदर कितना अच्छा वेदर है, मतलब 40 डिग्री था दोपहर को, 40 डिग्री। उसके बाद शाम को शायद 4 बजे इतना अच्छा वेदर हो गया, और ये मतलब पूरा कितना सारा, मतलब ये जो होना है कितने सारे पेड़ गिर गए हैं हमारे यहाँ पे शहर में, और लाइट वाइट सब कुछ चला गया है, पता नहीं कब ठीक होगा। और ये देख रहे हो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, कितना अच्छा मौसम। मैं भीगी भी थी, लेकिन मैंने मतलब फ़ोन ऑफ कर दिया था ये वीडियो निकालने के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली वो बिजली कड़क रही थी, तो कौन रिस्क लेता है यार मोबाइल नेटवर्क ऑन करके। तो मैंने फ़ोन ऑफ कर दिया था, लेकिन मैं भीग भी रही थी इसमें, एक ही बार भीगी हूँ इस बार बरसात में, क्योंकि ठंडी भी लग जाएगी, एग्ज़ाम भी सर पर है, इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। जो भी है थोड़ा थोड़ा बस एंजॉय करो। बस सब कुछ लाइफ में थोड़ा थोड़ा मैंने एंजॉय कर लिया, बरसात को भी एंजॉय कर लिया, और गर्मी तो एंजॉय तो नहीं, गर्मी कौन एंजॉय करता है, जो भी है। उसके बाद मैं पढ़ाई कर रही हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी चाय वाय पीने। ये मैं पढ़ाई कर रही हूँ क्योंकि मेरा नेट का एग्ज़ाम है, बहुत करीब है, 20 से मेरा नेट का एग्ज़ाम है। उसके बाद मुझे ये एंकलेट पहनना बहुत पसंद है, जब भी कोई मेला होता है, कुछ भी होता है, तो मैं ख़रीद लेती हूँ। लेकिन वो क्या है ना, 1 मंथ के बाद वो फेड हो जाता है, या फिर टूट के गिर जाता है। मतलब मेरे तो कितने सारे टूट के गिर ही गए, तो मैंने पूरा सिल्वर का बना लिया।
ये मुझे पड़ा 750 में। ये पूरा सिल्वर का है, और ये जो पत्थर ये देख रहे हो ना ब्लैक ब्लैक, ये भी मतलब नहीं टूटेगा। इवल आई भी है, पता ही है ये नकली इवल आई है, जो भी हो। मतलब ये जो देख रहे हो वाइट वाइट बॉल्स, ये और ये जो रिबन वो जो देख रहे हो ना जिसके ऊपर ये पूरा कथा हुआ है, ये पूरा सिल्वर का था। उसके बाद इतना अच्छा वेदर था तो मैंने खिचड़ी बना लिया। और खिचड़ी सबसे इजी होता है, मतलब दो तीन दाल मिक्स कर दो, चावल दे दो, आलू दे दो बस, और अगर कोई सब्जी हो तो वो भी दे देना। मेरे पास कोई सब्ज़ी नहीं था क्योंकि बरसात था, तो बाज़ार नहीं बैठा था, लाइटिंग भी नहीं था, पेड़ भी गिर गए थे बहुत सारे, तो मार्केट नहीं कल शाम को ओपन हुआ था। तो मेरे लिए बहुत अच्छा ही हुआ क्योंकि मुझे बस रात को ही बनाना था, क्योंकि इतने गर्मी में सुबह का तो नहीं रहेगा। जितने भी आप इसको पानी में रखो, कुछ भी रखो, तो मैंने इसी हांडी से मैंने खा लिया, मतलब इस बर्तन में मैंने खा लिया। मैंने प्लेट भी नहीं लगाया क्योंकि इतना ज़्यादा भूख लग रहा था, मतलब एक घंटा ये सब कुछ करने के बाद दोपहर में कब का खाई थी मैं, इसके बाद इतना ज़्यादा भूख लग रहा था कि मैं यहाँ पे हंडी से ही खा गई। मैंने ना प्लेट निकाला, ना मैंने अंडा फ्राई किया, दो अंडे भी मैं लेके आई थी, लेकिन उसका भी मैंने मतलब और मूड ही नहीं होता है। सच में मम्मी को इतना मिस कर रही थी कल मैं, कि अगर मम्मी होती तो बिल्कुल भी ऐसे हम कितना डिमांड करते हैं मम्मी के पास, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन जब खुद का बनाना होता है तो जो भी हो बस खा जाते हैं। उसके बाद मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तभी शायद मतलब रात के 11 तो नहीं 12:30 बज रहे थे, तो ये मैं पढ़ाई चल रहा मतलब कर रही थी पूरा 4:30 बजे तक। भाई नेट का पढ़ रही थी, पीएचडी का 20 को मेरा एग्ज़ाम है, तो इसीलिए मेरा पढ़ाई चल रहा था। मुझे नींद भी आ गई, मतलब मैं यहाँ पे उबासी भी ले रही हूँ, नींद भी आ गई। और आप अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको पक्षियों का आवाज़ सुनाई देगा, क्योंकि वो क्या कहते हैं सुबह होने को ही वाला था और मैं तभी मतलब सोने ही वाली थी, तब का ये वीडियो बनाया, क्योंकि ऑल टाइम वीडियो नहीं बना सकते, सब कुछ इतना क्या रिवील करो, आप देख ही रहे हो क्या कुछ हो रहा है। मतलब जो भी फेमस यूट्यूबर्स थे उन लोग सब डिवोर्स ले रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, सब लोग नहीं दिखाते अपना इतना कुछ तो। और ऑल टाइम कैमरा अगर ऑन करके रखोगे ना तो आप ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर सकते हो। तो कैसा लगा बोलना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।